दोस्तों, अगर आपको स्पेस में जाने के सिर्फ पॉजिटिव साइड्स के बारे में ही पता है तो आज का वीडियो अंत तक देखने के बाद आपका इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए रेस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगा। स्पेस में एक बहुत बड़ा खतरा होता है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को कैंसर, हार्ट डिजीज और कई डिजेनरेटिव डिजीज होने का खतरा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ज्यादा वक्त तक क्लोज एनवायरमेंट में रहने की वजह से स्पेस में ऑल्टर्ड इम्यून सिस्टम, स्लीप प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन का एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को कॉन्स्टेंट मेडिकेशन और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन लेना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी पे सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है माइक्रोग्रेविटी में होने की वजह से उनकी बोन डेंसिटी और मसल मास का कम होना, जिसकी वजह से वो अपनी सेंसरी मोटर स्किल्स को लूज करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए उन्हें रोज इंटेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बट इसके बावजूद वो इससे कभी भी 100% रिकवर नहीं कर पाते और अर्थ वापस आने पर उन्हें कुछ वक्त तक चलने में और सीधा खड़े होने में बहुत परेशानी होती है। आज साइंटिस्ट साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बट अभी भी इसे परफेक्ट होने में बहुत समय लगने वाला है।